हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक फैंटास्टिक कार पार्किंग प्रोजेक्ट। बेसिकली जब भी कोई कार यहाँ पर पार्किंग में आती है तो ये गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और कार के जाने के बाद ये गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर टोटल 6 पार्किंग के स्लॉट हैं जिन्हें आप LCD में देख सकते हैं। तो अभी 4 स्लॉट खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लॉट लेफ्ट इज इक्वल टू 4 दिखा रहा है। और हम जैसे ही यहाँ से कार को बाहर निकालेंगे, ये फिर से गेट ओपन हो जाएगा और फिर से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अभी यहाँ पर स्लॉट लेफ्ट दिखा रहा 5, और इस कार को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 6 दिखाएगा। तो अभी सारे स्लॉट खाली है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है और इसमें हमने क्या-क्या कंपोनेंट यूज में लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जैसे ही कार एंट्री पर आएगी, ये गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर स्लॉट लेफ्ट दिखा रहा है 5। और जैसे ही कार यहाँ से क्रॉस करके वापस जाएगी, ये गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हम कार को पार्किंग स्लॉट में खड़ा कर सकते हैं। फिर से हम एक और कार लेते हैं। अभी यहाँ पर वैल्यू 4 दिखा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो 2 IR सेंसर लिए हैं, एक एंट्री के लिए है और दूसरा एग्जिट के लिए है। तो जैसे ही कार अंदर से बाहर की तरफ आएगी, तो उस कंडीशन में वापस स्लॉट लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर गेट ओपन हो गया और यहाँ पर स्लॉट लेफ्ट 5 दिखा रहा है। यहाँ पर हमने गेट के लिए सर्वो मोटर यूज़ में ली है, लेकिन दोस्तों क्या हो अगर ये स्लॉट सारे फुल हो जाए। तो हम देखते हैं इसे फुल करके। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है स्लॉट लेफ्ट 0। और गाइज, अगर फिर से कोई कार अंदर आएगी तो ये गेट ओपन नहीं होगा और यहाँ पर पार्किंग फुल का डायलॉग शो होगा। और जब हम फिर से किसी कार को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1 स्लॉट खाली दिखा देगा। तो उस कंडीशन में फिर से जब हम एंट्री करेंगे तो ये गेट ओपन हो जाएगा। तो गाइज, ये है इस प्रोजेक्ट की बेसिक वर्किंग। और अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या-क्या कंपोनेंट्स यूज में लिए हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है आर्डिनो नैनो। ये इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का ब्रेन है और इसी में हमने प्रोग्रामिंग डाली है, उसके थ्रू ये सारे फंक्शन रन करते हैं। इसके अलावा हमने ये 16:2 LCD यूज में ली है और इस LCD के ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन शो होते हैं। यहाँ पर हमने ये 2 IR सेंसर यूज में लिए हैं। ये आर्डिनो की 2 डिजिटल पिन से कनेक्टेड है और एक सर्वो मोटर यूज में ली है, ये PWM पिन से कनेक्टेड है। और इस ऑन ऑफ बटन के थ्रू हम पूरी डिवाइस को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक 5 वोल्ट का एडेप्टर यूज में लिया है जो कि इस पूरे सर्किट को पावर प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप ये प्रोजेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गई कॉन्टैक्ट डिटेल पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।